आप देख रहे हैं NMT न्यूज और आपको रखे सबसे आगे। रितेश्वर जी के साथ कछवा के भक्तों ने उत्साह के साथ मनाया श्री कृष्ण जन्माष्टमी। कछवा मिर्जापुर आदर्श नगर पंचायत स्थित तिवारी लॉन में रितेश्वर महाराज की कृष्ण जन्माष्टमी के त्योहार का अंदाज भी बदल गया। रितेश्वर महाराज लगभग 10:30 रात्रि में व्यासपीठ पर बैठे। व्यासपीठ पर बैठते ही अपने भक्तों को कृष्ण जन्माष्टमी की बधाई दी। फिर भगवान कृष्ण के बारे में बोलते हुए कहा कि सारे ग्रह, सारी दिशाएं, सारे गोचर अनुकूल होने के बाद भी श्री भगवान कृष्ण का प्राकट्य कारागार में हुआ। उसी प्रकार आज सब कुछ अनुकूल होने के बाद भी सनातन पर खतरा मंडरा रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, एक रहोगे तो नेक रहोगे और बटोगे तो कटोगे। बांग्लादेश का आज उदाहरण देते हुए रितेश्वर महाराज ने कहा कि जिस तरह बांग्लादेश में हिंदुओं का नरसंहार हुआ, किसी से भी छुपा नहीं है, इसलिए अब सजग और सचेत रहने की आवश्यकता है। फिर रितेश्वर महाराज ने सनातन धर्म के विषय में बोलते हुए कहा कि सनातनी विस्तारवादी नहीं होता, वो लूट मार में भरोसा नहीं करता। महाराज जी बोलते हुए कहा कि प्रत्येक सनातनी को इतना धर्मनिष्ठ और इतने गौरवशाली बने कि दूसरे संप्रदाय के लोग भी जो सदियों पीढ़ी पहले सनातनी थे, वो वापस सनातनी बनने का प्रयास करें। प्रवचन के उपरांत 11:30 से भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव के समय मंगलाचरण के साथ लड्डू गोपाल की मूर्ति को रितेश्वर महाराज ने पंचामृत से नहलाया, वस्त्र आदि पहनाकर पुष्पमाला पहनाई। फिर ज्यों ही घड़ी ने 12:00 नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की गीत के साथ आरती पूजा शुरू हुई। शंख ध्वनि के साथ भक्तों के जयकारे के साथ जन्मोत्सव पूर्ण हुआ। शिक्षा का जहर भारतीयों के हृदय के भीतर, जो भी विदेशी शासक आए उन्होंने मारकाट को जितना मचाया, सबसे बड़ा जो मारकाट किया हमारी शिक्षा परंपरा को मिटा दिया। हमारी स्मृति लुप्त हो गई। और धीरे धीरे देसी मुर्गी बिलाई की बोल, खान पान, रहन सहन, उठना बैठना, ये सब विदेशियों की तरह हो गया। फटे जींस, कान छिड़वाए, जीभ छिड़वाए, नाक छिड़वाए, मरने के बाद जैसे लकड़ी लगाई जाती है वैसे जीते जी मुंह में सिगरेट बीड़ी लगाए। और आपके क्षेत्र में तो बड़ी अद्भुत बात है, शायद ऐसा कोई मुंह हो जिसमें पान और गुटका न हो। वाह, यही परंपरा बची। और आप ही के जैसे लोग कहीं दिव्य भारत का अंग हो रहा लाहौर, पेशावर, रावलपिंडी, कभी ढाका, इन सब जगहों पर भी कभी गगनचुंबी मंदिरें हुआ करती थी। भारतीय सनातन संस्कृति के ध्वज लहराया करते थे। पर कुशिक्षा के कारण धीरे धीरे सब समाप्त हो गया। और आज भी बड़ा आश्चर्य है कि जन्माष्टमी के अवसर पर आप जितने लोग हो देखकर, हमारा लगता है निर्णय गलत हो गया है आने का। सबके मन में हर्ष है, उल्लास है, भगवान के जन्म का जीवन में आनंद की उत्पत्ति कैसे हो, आनंद से हमारा मिलन कैसे हो, इसके लिए भगवान श्री कृष्ण नंद के घर आनंद के रूप में जन्म लेंगे। आप सब जानते हैं शरीर के भीतर ही ये सारी इंद्रियां समाहित हैं, जिन्हें गो कहा जाता है। और कुल अर्थात इंद्रियों का समूह, तो इस गोकुल में भगवान
भगवान का काकत्य कैसे हो, इसके लिए हम सब एकत्रित हैं, उपस्थित हैं। हर रात्रि भगवान का जन्म हो रहा है, धरा के ऊपर मार काट, हिंसा, अत्याचार, अनाचार, पापाचार, व्याभिचार, ये सब बढ़ा हुआ है और इस कारण से प्रभु को अवतरित होना पड़ता है। और ऐसा ही अपेक्षा और इंतजार कभी सोमनाथ के लोग भी कर रहे थे। जब सोमनाथ में मंदिर टूट रही थी तो जितने भी पुजारी थे, सनातन संस्कृति के लोग थे, वो भी आस लगाए बैठे थे कि बड़ी देर भई नंदलाला, अब तो मंदिर बचाने आ जा, पर कोई नहीं आया। सर काट दिए गए, रक्त रंजित हो गई वो भूमि और सोमनाथ का विशाल जिस पर कोई विजय प्राप्त नहीं कर सकता, वो मंदिर ध्वस्त हो गई। और यही बात अयोध्या में, मथुरा में, ये तो वर्तमान भारत की बात कर रहा हूं, परंतु जो अखंड भारत है, यहां भारत का खंड भी नहीं बचा, भारतीय संस्कृति के सौ भी नहीं बचे। कभी वहां भी गगन चुंबी मंदिरें हुआ करती थी, शिवालय, देवालय, मठ, आश्रम, गुरुकुलम, धर्म का प्रतीक, ज्ञान का प्रतीक सुंदर भगवा ध्वज लहराया करता था। आप देख रहे हैं NMP न्यूज और आपको रखे सबसे आगे।